सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी शिमला शहर की न्यू शिमला सेक्टर 1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाते हुए आईजीएमसी कैंसर अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान संस्था के सदस्यों पदाधिकारियों के अलावा बीसीएस वार्ड पार्षद आशा शर्मा ने भी इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए न्यू शिमला सेक्टर 1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुमन पाल दत्ता ने कहा कि प्रत्येक सामाजिक संस्था को इस तरह के पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़कर परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरा नाम सुमन पाल दत्ता है, मैं सेक्टर 1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ बाकी पदाधिकारी श्री एस एन कपूर जी, श्री विक्रम साइन जी, विजय गुप्ता जी, मैडम काउंसलर हैं आशा शर्मा जी और डॉक्टर अशोक शर्मा और शशि जी, हम सब लोग यहाँ आए हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम जो है वो अपने इलाके में ही भलाई करने का नहीं है, उनको अपने इलाके से बाहर निकल भी लोगों की भलाई करनी चाहिए और सेक्टर 1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस काम में हमेशा अग्रसर रहती है। आज हमने कैंसर हॉस्पिटल में, आज बहुत अच्छा दिन है, सावन का महीने का पहला दिन है और संक्रांत है, तो हमने सबने सोचा कि आज कैंसर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं उन रोगियों को हम जो है फलाहार देकर उनका सेवा करें। इसके साथ हमारे एग्जेक्टिव में निर्णय लिया गया है कि जल्दी ही हम यहाँ पे बेंच लगाएंगे ताकि जो रोगी हैं उनको बैठने में कोई दिक्कत ना आए। हमारा ये मानना है कि सरकार अपने से अकेले से कोई काम नहीं कर सकती, तो उसमें समाज सेवी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और इसी तरह हम ब्लड डोनेशन कैंप और सफाई अभियान जो भी हमारे से संभव होता है, जो भी लोगों के सुझाव होते हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं।